जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आज स्वच्छ भारत दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छता ही सेवा, सुजलम प्रथम और द्वितीय चरण, जल जीवन मिशन, कार्यक्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज पुरस्कार प्रदान किए। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थयात्री जैसे होता है। उनके विचार शाश्वत है। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता है। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति को दूर करने और नई भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और शाश्वत भी और आध्यात्मिक भी। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में है जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा हम दे सकते हैं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्ता का दिन रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, उस महामना की जयंती जिसने आत्मविकास के साथ साथ में राष्ट्र के समग्र विकास में स्वच्छता को पहली पायदान पर रखा। उनका जन्मदिवस होने के साथ साथ आज भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। निश्चित रूप से आज का ये दिन इतिहास में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी महत्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भी अधिक ऊंचाई प्रदान करते हुए आज के दिन को महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हुए स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का ऐसा